हेलो स्टूडेंट्स, एटीएस सॉफ्टवेयर के फ्री ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ट्रिपल सिल्क के लेक्चर की थ्योरी लेक्चर की सीरीज में आज हम फोर्थ लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहना चाहेंगे अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले। हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सी। यहाँ पे टच लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आप प्लीज टच स्पेलिंग पूरी लिख लीजिए। हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड विच कैन बी टच एंड सी। ईजी है, सिंपल है। जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कोई भी डिवाइस है कंप्यूटर का, अगर हम उसे टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे माउस हो, चाहे सीपीयू हो, कुछ भी हो, इफ यू कैन टच इट दैट मीन्स इट इज हार्डवेयर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए। अब आप कुछ बच्चे डायरेक्टली अपोजिट बोल देते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन विच डील्स विद हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। यानी कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल होते हैं, उनका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो आते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे आप किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाते हैं, जिसका कुछ पर्टिकुलर यूज हो। ठीक है, जैसे कि टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग। ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है पेंट ब्रश, तो उसमें आप ड्राइंग करेंगे। म्यूजिक प्ले करने का जो सॉफ्टवेयर है वो है म्यूजिक प्लेयर, तो आप म्यूजिक प्लेयर पे सिर्फ म्यूजिक ही बजा सकते हैं, ना कि ड्राइंग कर सकते हैं, ना ही टाइपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते हैं, उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उसे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। नंबर तीन होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन काम है, कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, डेवलप द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर दो टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जनरली सबके लिए अवेलेबल हैं, जो उसे यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस प्रोवाइड करता है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और वो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो एमएस वर्ड में आप सिर्फ टाइपिंग करते हो, टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर दिया गया है। एक्सेल के अंदर आप टेबल बनाते हो, डेटा को स्टोर करते हो। प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो। ये सभी के लिए अवेलेबल है, जो भी इसे यूज करना चाहे इंस्टॉल कीजिए और यूज कर लीजिए। ये जनरल पर्पस ऑपरेटिंग, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। अब अगर मान लो हॉस्पिटल का कोई सिस्टम है तो वो आप घर पे लेके थोड़ी आओगे, जनरल पर्पस के लिए तो है नहीं, वो उसे हॉस्पिटल ही यूज कर सकता है। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, आप खाना खाया, आपने बिल बनवाना है, तो बिलिंग सिस्टम जो बनाया रेस्टोरेंट का, वो बिलिंग सॉफ्टवेयर बुलाया जाएगा, रेस्टोरेंट के लिए ही होगा। उसमें वही आइटम मिलेंगे, डोसा, कढ़ाई पनीर, और माने मुंह पे पानी तो नहीं आ रहा कढ़ाई पनीर सुन के, कढ़ाई पनीर, ठीक है, लच्छा पराठा, ठीक है, तो वो वही उन आइटम में वही सब सुनाई देंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर में चले जाएं तो वहां पे जो बिलिंग सिस्टम बनेंगे वहां पे मेडिसिन आएंगे।
तो ये स्पेसिफिक पर्पज से आते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाला सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल वाले सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, रेस्टोरेंट वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। इसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर दो तरीके के बेसिकली होते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट प्रोग्राम वाले, उसके अंदर तीन आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटी। और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में फिर तीन चार आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में कहलाती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकिंग एंड लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? आप सबसे पहले सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और यूजर है हम लोगों के बीच में, एक इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। जब भी हम कोई कमांड देते हैं, चाहे हम माउस से क्लिक करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे लिसन करता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा विंडोज पे काम करते हैं आप लोग, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कम से कम 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको याद होने चाहिए, मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिए। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी का है, ये पेड है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। एंड्रॉयड, आपने मोबाइल में यूज किया होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने 5 ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिए, मैं और भी बता देता हूँ, iOS, OS2, ये भी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को चलाने के लिए। उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर का क्या काम करते हैं? जब हम कंप्यूटर में किसी डिवाइस को अटैच करते हैं, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक, तो उसके लिए इसके साथ एक CD आती है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए जिससे ये प्रिंटर वर्किंग करने लग जाएगा। यानी कि जब तक हम उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे उसके अंदर, तब तक वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। यानी कि हर एक डिवाइस के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। हो सकता है HP कंपनी का प्रिंटर लिया हो तो उसका डिवाइस ड्राइवर अलग होगा, हो सकता है Canon कंपनी का आपने डिवाइस लिया हो, प्रिंटर लिया हो, तो उसका सॉफ्टवेयर अलग आएगा। तो ये सब डिवाइस ड्राइवर जो हैं किसी न किसी हार्डवेयर डिवाइस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं जिससे वो काम कर सके, वर्किंग कर सके। दूसरी चीज़ है सिस्टम यूटिलिटी। कंप्यूटर में कई सारी ऐसी यूटिलिटीज़ हैं जिसे आप यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, डेट टाइम देखना, कैलेंडर, कैलकुलेटर, ये सिस्टम यूटिलिटीज़ है। और भी कई सारी यूटिलिटीज़ हैं, डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप लेना, ये सब चीज़ें क्या हैं? सिस्टम की यूटिलिटीज़ हैं। हम इसे भी यूज़ करते हैं अपने सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, Java.NET, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में आता है। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारी किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे अगली स्लाइड्स में। लिंकर और लोडर, प्रोग्राम में फाइलों को लिंक करने के लिए, रैम में डेटा को लोड करने के लिए, ये दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इन्हें हम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे ये उन्हें एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। आइए नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसे ह्यूमन इजीली समझ सकता है, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसे कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन नहीं समझ सकता। तो लो लेवल जो बनाई गई है किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। और हाई लेवल जो बनाई गई है किसके लिए बनाई गई है? ह्यूमन के लिए बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गई है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो तरह की होती है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है 0-1 में, जिसे आप 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर भी कहते हैं, इसी में ही होती है। तो कंप्यूटर इसके साथ इजीली वर्कआउट कर सकता है, काम कर सकता है। तो 0-1 पे कंप्यूटर इजीली काम करता है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? कुछ निमोनिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ADD AB। तो ADD क्या है? ADD एक निमोनिक है जो 0-1 की फॉर्म में पहले से ही डिफाइन किया गया है।
पहले से इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इसके जो नंबर है 0011 कोई एक पर्टिकुलर कोड होगा वो इसके लिए असाइन कर दिया गया है। जब भी आप ऐड यूज करोगे तो वो असाइन कोड यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और अपने आप ए और बी का एडिशन हो जाएगा। तो ये है असेंबली लैंग्वेज का फीचर। अब कंप्यूटर तो इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है लो लेवल प्रोग्रामिंग, लेकिन हम ह्यूमन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग। और ये कौन कौन सी होती है? C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रेन, C#, पाइथन, कोबोल, एसेट्रा, कई सारी लैंग्वेजेस हैं और भी आपने कुछ नाम सुने होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किन्हें कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल इसे कहते हैं, इसे इजीली हम समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कहीं पे भी ट्रेनिंग लेके आप 2-3 महीने में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकते हैं और कंप्यूटर पे इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन 01 को हम समझ तो लेंगे लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास का नहीं है प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि हम वी कैन नॉट टॉक इन द 01 लैंग्वेज, वी कैन टॉक इन द इंग्लिश। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके समझ सकता है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम करते हैं, कंप्यूटर समझता है लो लेवल, तो हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इससे काम कर सके, यानी कि हमारी लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं ट्रांसलेटर। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है चाहे वो C++ जावा है, उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, तभी कंप्यूटर में काम होता है। तो यहां पर 3 तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, इसमें अगर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड दोगे तो ये असेंबली कोड जनरेट करेगा, यानी कि हाई लेवल को असेंबली में कन्वर्ट करना, लो लेवल में कन्वर्ट करना काम किसका है? कंपाइलर का। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर और उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज आती है इंटरप्रेटर, ये भी सेम वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को पढ़ता है और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके अंदर और कंपाइलर में ये डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ता है, एक लाइन एक ही बार में पढ़ेगा, दूसरी लाइन नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर इज कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसका इनपुट जो है वो असेंबली कोड है जो कि कंपाइलर से या इंटरप्रेटर से मिलता है, उसे असेंबली कोड में असेंबलर रिसीव करता है और मशीन कोड यानी कि 01 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। ये 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। डेटा कंप्यूटर में किस तरीके से प्रोसेस होता है? मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है 34, 35, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, क्या है ये पता नहीं क्या है, हमने इसको क्या करा, इनपुट किया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद इसके बाद हम कुछ प्रोसेस करते हैं। वी कैन अरेंज द डेटा, वी कैन सॉर्ट द डेटा, वी कैन कंबाइन द डेटा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है तो वो लगाएंगे, जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, कुछ भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, वी कैन डू ऑन दैट डेटा। तो सारे डेटा की हम प्रोसेसिंग इसके ऊपर करेंगे, उस प्रोसेसिंग से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, और वो आउटपुट क्या होगा? अरेंज डेटा होगा, एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पर डेटा दिया था वो क्या बन गया? टेम्परेचर है, हमें ये बता दिया कि ये टेम्परेचर है, मंडे को ये था टेम्परेचर, ट्यूसडे को ये था, वेडनेसडे को ये था, थर्सडे को ये था और फ्राइडे को ये था। तो जो इनपुट जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में हमने इसको अरेंज कर दिया, सॉर्ट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया और आपको प्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमारी बन गई इन्फॉर्मेशन, डाटा प्रोसेस हुआ और वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। वो किस तरीके से हुआ आपके सामने। अब इसकी एक साइकिल भी है, डेटा प्रोसेस की एक साइकिल है, डेटा कलेक्शन जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, डेटा जो कि हम इनपुट करते हैं वो भी हो सकता है, दोनों को हम कंबाइन करके प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद उसे आउटपुट फॉर्म में निकाला जाता है, आउटपुट फॉर्म में निकालने के बाद हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो स्टोरेज डेटा, यानी कि पहले से डेटा जो हमारा स्टोर्ड है, हमारी हार्ड डिस्क में हो सकता है, हमारी पेन ड्राइव में हो सकता है, कहीं पर भी डेटा स्टोर हो सकता है, और जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं, इन दोनों की हेल्प से हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग जब होगी इसके अंदर तो वो प्रोसेसिंग आउटपुट की फॉर्म में यानी कि इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में निकलेगा और हम उसे स्टोर कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा क्या हुआ? प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज हमने इस 4th लेक्चर में पढ़ा, आज हमने इस 4th लेक्चर में पढ़ा कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा और कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।